इसके पहले वाला वीडियो में बताया गया है विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय प्रतिवृत्ता E बराबर 1/4 pi epsilon naught 2 pi r की, तथा निरक्षीय प्रतिवृत्ता E बराबर 1/4 pi epsilon naught p/r³। अब बतलाया जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एनी पॉइंट, तो एनी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। तो पहले हम विद्युत द्विध्रुव लेंगे, तो विद्युत द्विध्रुव में हम जानते हैं कि दो चार्ज होता है, एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू, इनके बीच की अल्प दूरी जो होती है वह 12 होती है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर थीटा स्थिति के पी बिंदु पर तीव्रता निकालनी है। तो पी बिंदु पर तीव्रता निकालनी है विद्युत द्विध्रुव का, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर थीटा स्थिति का मतलब कि आर दूरी के पी बिंदु पर थीटा कोण के साथ निकाला जा रहा है तीव्रता। तो पी पर तीव्रता के दो घटक होंगे, एक घटक होगा अक्षीय घटक, एक घटक अक्षीय घटक जिसको हम लिखेंगे E1, और दूसरा घटक होगा निरक्षीय घटक जिसको लिखा जाएगा E2। अब रहा यहाँ एक E1 है और E2 है, इसका परिणामी रहा आपका E। यहाँ अब यहाँ क्या करेंगे हम, परिणामी E1 तो E2 है, इसके पैरेलल खींच देंगे तो E क्या होगा आपका, E भी आपका E2 हो जाएगा। तो E2 रहा, E क्या रहा आपका, E1 रहा। E1 जो है आपका अक्षीय घटक OP के दिशा में ऐसे, और निरक्षीय घटक अक्षीय के लंबवत E2 है। तो अक्षीय घटक E1, P बिंदु पर तीव्रता का अक्षीय घटक E1 और निरक्षीय घटक E2 है। तो अब यहाँ हम निकाल देंगे आसानी से, रिजल्टेंट E रहा आपका E, यहाँ निकाला जाएगा P बिंदु पर परिणामी तीव्रता। तो P बिंदु पर अक्षीय घटक P बिंदु पर अक्षीय घटक में तीव्रता E1 cos थीटा। हम जानते हैं कि अक्षीय में तीव्रता जो होता है वह E1 1/4 pi epsilon naught 2 pi r³ cos थीटा। अक्षीय में P बिंदु पर निरक्षीय में तीव्रता, होगा E2 sin थीटा। E2 के मान हम लोग जानते हैं, E2 का मान निरक्षीय में होता है 1/4 pi epsilon naught p/r³ sin थीटा। अब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो परिणामी तीव्रता में निकालेंगे, परिणामी तीव्रता E रहा आपका यहाँ राइट एंगल बना, और यहाँ मान लेंगे हम अल्फा। तो यहाँ हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो परिणामी तीव्रता E=√E1² + E2² E=E1 के मान है 1/4 pi epsilon naught 2 pi/r³ cos θ² इसको हम इधर लिखते रहे, इधर नहीं अटेगा, पॉज करके उतार लीजिएगा वीडियो, यहाँ हम उतारते रहे इसको, आगे बना लगा। P बिंदु पर परिणामी तीव्रता रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी E=√
वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर, यहाँ ई इज इक्वल टू ई वन का मान है वन बाई फोर पाई एप्साइलन नोट टू पी बाई आर क्यू कॉस थीटा के हो क्यू, दो कॉस थीटा के वर्ग हुआ दुना के चार कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ई इज इक्वल टू होगा वन बाई फोर पाई एप्साइलन नोट पी बाई आर क्यू, फोर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ ई इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्साइलन नोट पी बाई आर क्यू थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। अब आ गया आपका विद्युत द्विध्रुव कि का किसी बिंदु पर तीव्रता E बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन P बाई आर क्यू अंडर रूट थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, यह विद्युत द्विध्रुव के कहा किसी बिंदु पर, विद्युत द्विध्रुव के कहा किसी बिंदु पर तीव्रता रहा। इसके बाद तो अब हम जान गए कि विद्युत द्विध्रुव के कहा किसी बिंदु पर तीव्रता E बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन P बाई आर क्यू अंडर रूट थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय प्रतिवता E बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी बाई आर क्यू, निरक्षीय प्रतिवता E बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी बाई आर क्यू, किसी बिंदु प्रतिवता E बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन पी बाई आर क्यू अंडर थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब यह पी बिंदु अगर अक्षीय पर हो, पी बिंदु अगर यहाँ हो तब क्या होगा तीव्रता, पी बिंदु निरक्षीय पर हो तब क्या होगा तीव्रता, तब स्पेशल केसेस करके निकालेंगे। तो अब स्पेशल केसेस में देखेंगे कि जब पी बिंदु अक्षीय पर है, स्पेशल केसेस में यहाँ लिखा जाएगा कि यह पी बिंदु जब अक्षीय पर हो इधर, तो अब देखा जाएगा इसमें कि जब पी बिंदु अक्षीय पर हो, अक्षीय माने यहाँ हो, आवेश से होकर गुजरने वाली रेखा पर हो, यहाँ माइनस क्यू है यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ यदि जब पी बिंदु अक्षीय पर हो स्पेशल केस, स्पेशल केसेस, जब पी बिंदु अक्षीय पर हो व्हेन पी पॉइंट एट एक्सियल, When P point at axial, जब P बिंदु अक्षीय पर हो तो then थीटा कितना हो जाएगा, जब अक्षीय यहाँ है तो थीटा है, जब P बिंदु यहाँ आ जाएगा तो थीटा जीरो हो जाएगा, then थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू थ्री कॉस स्क्वायर जीरो डिग्री प्लस वन। तो अक्षीय पर तीव्रता निकालेंगे यहाँ इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू थ्री कॉस स्क्वायर जीरो के मान वन के स्क्वायर प्लस वन, इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू तीन तीन एक के वर्ग एक तीन गुणे वन प्लस वन हो जाएगा, इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू अंडर रूट फोर, अर्थात इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू रूट फोर के टू हो जाएगा वर्गमूल टू पी बाई आर क्यू, ये कहाँ रहा एक्सियल में, पहले भी हम निकाले हैं अक्षीय में तीव्रता ई बराबर वन बाई फोर पाई, पहले वाले वीडियो में बताया गया वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन टू पी बाई आर क्यू, ये अक्षीय किसी बिंदु पर के तीव्रता से हम अक्षीय में तीव्रता निकालेंगे। अब निकाला जाएगा निरक्षीय में तीव्रता,
तो ये रहा आपका कि किसी बिंदु पर तीव्रता था E बराबर 1/4πε₀PR की अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 था, लेकिन जब हम 0 डिग्री थीटा की जगह रख दिए तो वह P बिंदु अक्षीय पर आ गया। अब निकाला जाएगा निरक्षीय प्रतियोगिता। तो यहाँ लिखेंगे हम कि जब P बिंदु निरक्षीय पर हो, जब P बिंदु निरक्षीय पर हो तब क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यहाँ हो जाएगा थीटा कितना होगा 90 डिग्री। E इज इक्वल टू 1/4πε₀ P/r³ अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर 90+1। इसके बाद E बराबर 1/4πε₀ P/r³ 3 कोस स्क्वायर 90 के मान, कोस 90 का मान 0+1। E इज इक्वल टू 1/4πε₀ P/r³ 3 0 इसे गुणा करेंगे 0+1। E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε₀ P/r³ अंडर रूट 1। E बराबर 1/4πε₀ P/r³। E इक्वेटरल में ट्रेंगल है, इक्वेटरल में यानी निरक्षीय में क्या रहा, विद्युत ध्रुव का तीव्रता रहा। पहले भी हम इसको निकाले हैं पहले वीडियो में। तो किसी भी बिंदु पर तीव्रता से हम अक्षीय में भी निकाल लिए, निरक्षीय में भी निकाल लिए।